गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आईसी इंजन का तीसरा लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ। पहले लेक्चर में हमने इंजन का क्लासिफिकेशन देखा था, दूसरे लेक्चर में हमने वर्किंग ऑफ फुल स्विंग इंजन देखा था, उसी क्रम में आज हम लोग तीसरा लेक्चर देखेंगे वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन। वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन हम लोग देखने से पहले की तरह ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रोक क्या होता है, क्योंकि फोर स्ट्रोक यहाँ पे स्ट्रोक की बाउंड्री को दर्शाता है। तो उससे पहले हम लोग स्ट्रोक जान लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए आपका ये सिलेंडर बाकी है, उसके अंदर ये एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। तो पिस्टन अभी देखिए टॉप मोस्ट पोजीशन में है, ठीक है। आपकी पिस्टन नीचे की ओर चलने के लिए मूव करेगा, तो डीवीसी से बीवीसी एक मूवमेंट होती है। डीवीसी का मतलब होता है पिस्टन का टॉप मोस्ट पोजीशन, बीवीसी यानी बॉटम डेड डेड सेंटर, पिस्टन का सबसे निचला हिस्सा। पिस्टन सबसे निचले हिस्से जहां तक मूव करता है वो बीवीसी होता है, बॉटम डेड सेंटर। एक बार पिस्टन डीवीसी से बीवीसी की ओर जो मूव करता है, जो मूवमेंट होती है, उसको एक स्ट्रोक बोलते हैं। पिस्टन का एक बार ऊपर से नीचे जाना या एक बार नीचे से ऊपर आना, उसको एक स्ट्रोक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे पिस्टन अभी अपने ऊपरी सिरे पे लगा हुआ है सिलेंडर के, उसके बाद ऊपरी सिरे से दूसरे से निचले सिरे की ओर मूव करेगा, तो पिस्टन का एक स्ट्रोक पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो पिस्टन निचले हिस्से में है, नीचे से फिर ऊपर की ओर करके एक बार मोशन करेगा, ऊपर की ओर नीचे से ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा, तो अगला स्ट्रोक फिर से यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह करके एक बार पिस्टन नीचे गया, फिर एक बार पिस्टन ऊपर गया, तो मिलाकर दो स्ट्रोक हो गया। हम कहना ये चाहते हैं कि पिस्टन की मूवमेंट होती सिलेंडर के अंदर, पिस्टन का एक बार का ऊपर आना या एक बार का नीचे जाना एक स्ट्रोक कहलाता है। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन। तो फोर स्ट्रोक इंजन में आप देख पा रहे होंगे एक वर्ड हमने इस्तेमाल किया फोर स्ट्रोक। स्ट्रोक अभी हमने आपको बता दिया है, फोर जो होता है चार बार, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटी के आधार पे हम ये देख पाएंगे, काउंटी के आधार पे हम लोगों ने फोर स्ट्रोक इंजन को और पिस्टन इंजन को अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। तो हम लोग फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में जानते हैं। ये हमारे चार अलग अलग डायग्राम है जो अलग अलग चारों स्ट्रोक को अलग अलग टाइप से दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारा कोई भी इंजन होता है, किसी भी इंजन में जब हमारा एक पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है, एक पावर स्ट्रोक मतलब होता है हमारे पिस्टन के एक बार ऊपर नीचे करने में हमारा जो क्रैंक शाफ्ट होता है एक बार रोटेट कर जाए, पूरा पूरा 360 डिग्री इंजन पूरा घूम जाए। 360 डिग्री के क्रैंक शाफ्ट घूमने को हम लोग एक पावर स्ट्रोक बोलते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता था कि पिस्टन के एक बार ऊपर नीचे करने पे यानी दो स्ट्रोक पूरा होने में हमारा क्रैंक शाफ्ट एक रोटेशन को घूम जाता था, यानी कि दो स्ट्रोक में हमारा एक पावर स्ट्रोक होता था। फोर स्ट्रोक इंजन में भी उसी प्रकार होता है, बस थोड़ा सा काउंटिंग का फर्क है। इसमें क्या होगा, पिस्टन के चार बार ऊपर नीचे करने पे क्रैंक शाफ्ट का दो रोटेशन पूरा होता है, यानी कि चार स्ट्रोक को पूरा करने में हमारे दो पावर स्ट्रोक प्राप्त होते हैं। दो पावर स्ट्रोक का मतलब होता है कि हमारा क्रैंक शाफ्ट जो है ये दो बार 360 डिग्री यानी दो बार पूरा पूरा रोटेट कर जाएगा। ये डिग्री का हम लोग अगर नहीं समझ में आता कि कैसे डिग्री 360 डिग्री का घूम जा रहा है, 180 डिग्री का घूम जा रहा है, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं। बार मान लीजिए अभी हमारा पिस्टन एकदम टॉप पोजीशन में है, ठीक। अब ये हमारा मान लीजिए क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है, जब हमारा ये पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा तो ये पोजीशन यहाँ से यहाँ आ जाएगी, यानी कि ये आधा रोटेशन हो जाएगा, क्रैंक शाफ्ट का आधा रोटेशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो जाएगा। ये हमारा हो गया 180 डिग्री। एक स्ट्रोक में हमारा क्रैंक शाफ्ट
और एंट्री भी की हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हम प्रोसेस समझेंगे। अभी पिस्टन नीचे की ओर है, अब जब हमारा पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा कि हमारा ये रोटेशन यहां से यहां पे भी कंप्लीट कर लेगा, यानी कि यही साइकिल चल रही है, यहां पे एक्टिंग खत्म हो जाएगी। अब ये हमारा 180 डिग्री हट के यहां पे एक यहीं से शुरू हुआ था, यहीं पे एक्टिंग खत्म हो गया, इसलिए इसको 360 डिग्री बोलते हैं। अब यहाँ पे हम ये समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे पिस्टन एक बार नीचे गया है, नीचे के जब जा रहा था तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ये ट्रैवल किया। पिस्टन जब नीचे पहुंचा, नीचे से ऊपर की ओर जब चलने की ओर अग्रसर हुआ, तो ये 180 डिग्री से 360 डिग्री तक मूवमेंट किया, यानी कि पिस्टन एक बार नीचे गया, एक बार ऊपर गया, उस दरमियान हमारा क्रैंक शाफ्ट 360 डिग्री ऊपर घूम गया, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट हो गया। अब फोर स्ट्रोक में हम यही बताना चाहते हैं उसे, चार अलग अलग स्ट्रोक को पूरा करने में हमारा क्रैंक शाफ्ट जो है पूरा पूरा दो चक्कर घूम जाएगा, दो रोटेशन पूरा कर जाएगा, 360 डिग्री को दो बार घुमा देगा, ठीक है। तो हमारा बेसिकली हम यही कहना चाहते हैं कि फोर स्ट्रोक इंजन में हमारे चार स्ट्रोक पूरा करने में हमारे दो पावर स्ट्रोक होते हैं। एक पावर स्ट्रोक का मतलब होता है हमारे क्रैंक शाफ्ट का एक बार 360 डिग्री घूम जाना, तो फोर स्ट्रोक का मतलब होता है उसी 360 डिग्री का दो बार हमारा रिपीट होगा। तो फोर स्ट्रोक इंजन में हमारा दो पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है, टू स्ट्रोक इंजन में हमारा एक पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है, क्योंकि टू स्ट्रोक वाले में एक बार रोटेशन होता है, फोर स्ट्रोक वाले में हमारा दो बार रोटेशन होता है, ठीक है। अब कोई भी इंजन जब हम पढ़ते हैं, कोई भी इंजन पर जो सभी प्रोसेस होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है। प्रोसेस भी क्या होता है, पहले फ्यूल क्या होता है आपका सिलेंडर के अंदर आता है, दूसरे प्रोसेस में क्या होता है, फ्यूल को आप लोग सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद फिर उसमें आग लगाते हैं, कंबशन का प्रोसेस होता है, आग लगने के बाद सिलेंडर के अंदर जो जली हुई गैस है वो बाहर भी निकालना है। तो इस तरह करके हमारा कोई भी सिलेंडर के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग चार अलग अलग भागों में बांट देते हैं, ठीक है, चार अलग अलग भागों में बांट देते हैं। पहला भाग होता है, पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, दूसरे वाले पार्ट को बोलते हैं कंप्रेशन, तीसरे वाले पार्ट को बोलते हैं कंबशन, चौथे वाले पार्ट को बोलते हैं एग्जॉस्ट। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी चीज का फैलना, ठीक है। अब आइए हम लोग एक्सटेंशन को समझते हैं। ये पहला वाला डायग्राम जो है आपके एक्सटेंशन प्रोसेस को बताता है। अभी हम लोग इसको समझते हैं, देखिए इसमें इनलेट वाल्व पूरी तरह खुला हुआ है, आउटलेट वाल्व पूरी तरह बंद है, ठीक है। अब इस समय क्या होगा, ये एरो से ये दर्शाना चाहते हैं कि पिस्टन अब नीचे की ओर मूव करेगा, ठीक है। अब आप सपोज करिए जब पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा तो इसके अंदर में ये एरिया है, इसमें हमारा वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है। अब वैक्यूम क्रिएट होगा तो हमारा जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, जो फ्रेश चार्ज है, वो इनलेट वाल्व के थ्रू अंदर आ जाएगा। इनलेट वाल्व के थ्रू हमारा का फ्यूल अंदर आ जाएगा तो इसमें कुछ ना कुछ एरिया कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। अब ये जो एरिया कंज्यूम किया है ये क्यों किया है, क्योंकि इसके अंदर का एरिया एक्सपेंड हुआ है, एक्सपैंड होने की वजह से हम इस प्रोसेस को एक्सपेंशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन प्रोसेस में आपका क्या हुआ, बाहर का फ्रेश चार्ज सिलेंडर के अंदर आ गया, ठीक है। अब हम अगले स्टेज में चलते हैं, अगले स्ट्रोक में हमारा क्या होता है, अगले स्टेज में क्या होता है, हमारा इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व दोनों पूरी तरह बंद हो रहा है, ठीक है। अब दोनों पूरी तरह बंद है, इस वाले प्रोसेस में सिलेंडर का पिस्टन हमारा नीचे की ओर था, यहाँ से सरकते हुए नीचे आ गया था। अब चूंकि यहाँ पे नीचे की पोजीशन में है, अब ये धीरे धीरे जब ऊपर जाएगा तो इसके अंदर जो फ्रेश चार्ज अंदर इंसर्ट हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश चार्ज आता है, अब ये फ्रेश चार्ज जब पूरी तरह कंप्रेस करेगा, ठीक है, अब कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक। अच्छा, अब इसका अंदर का वॉल्यूम जो है हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, इसी कंप्रेशन की वजह से इस वाले प्रोसेस को हम लोग कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं, स्ट्रोक कंप्रेशन एग्जॉस्ट या कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो
कंप्रेशन प्रोसेस में हमारा क्या होता है कि हम लोग फ्रेश चार्ज को कंप्रेस करके इकट्ठा कर देते हैं, उसके बाद वो बढ़ा देते हैं, उसके कंप्रेशन को बढ़ा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं इंजन के तीसरे चरण में, तीसरे स्ट्रोक में, जिसको हम लोग बोलते हैं कंबशन स्ट्रोक या कंबशन प्रोसेस। कंबशन प्रोसेस में क्या होता है, अभी हमारे इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व पूरी तरह बंद है, बिल्कुल खुले नहीं है, ठीक है। अब खुले नहीं है तो होगा क्या, खुले नहीं है तो ये चूंकि अब कंप्रेस होना था दूसरे स्ट्रोक में, कंप्रेस होने के बाद क्या होता है, वो पूरी तरह कंप्रेस तो हो नहीं पाता है, तो कुछ एरिया के ऊपर कंप्रेस एयर रहती है उसमें स्पार्क प्लग लगा होने की वजह से कंबशन हो जाता है, यानी कि चिंगारी देते हैं उसमें आग लग जाती है। आग लगने के बाद क्या होता है, वो हवा जो होती है जो फ्रेश चार्ज होता है अपने आप को फैलाने की पोजिशन यानी फैलाने की कोशिश करता है। फैलाने की कोशिश में क्या होता है, उसका आयतन बढ़ने लगता है, वो पिस्टन पे दबाव बनाता है। पिस्टन पे दबाव बनाने से क्या होता है कि पिस्टन के ऊपरी सतह पर हमारा फोर्स लगता है, यानी कि उसको नीचे की ओर धकेलता है। जब नीचे की ओर धकेलेगा तो पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा, ठीक है, नीचे की ओर मूव करेगा तो ये क्रैंकशाफ्ट हमारा रोटेट कर जाएगा 180 डिग्री। तो हम ये देख पा रहे होंगे कंबशन प्रोसेस में बेसिकली हुआ क्या, कि सेकंड स्ट्रोक यानी कि कंप्रेशन स्ट्रोक में जो फ्रेश चार्ज पहले से कंप्रेस है उसी ने हम लोगों ने स्पार्क प्लग के माध्यम से इग्नाइट करा के उसको हम लोग कंबस्ट कर दिए। कंबस्ट करने का मतलब उसमें आग लगा दिया, ठीक है। आग लगने के दरमियान हुआ क्या, आग लगने के दरमियान हुआ ये कि सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम या फ्रेश चार्ज जो भरा हुआ है वो फैलने की कोशिश करता है, आयतन बढ़ाने की कोशिश करता है, आयतन बढ़ाने की वजह से पिस्टन पे दबाव लगाता है। पिस्टन पे प्रेशर लगाता है, पिस्टन नीचे को धकेल देता है। नीचे को धकेलने से क्या होता है, हमारा पिस्टन रोटेट कर जाता है। अब चूंकि पिस्टन यहाँ रोटेट किया, अब उसके बाद फिर से हमारे यहाँ रोटेट कर जाता है, चूंकि जब कोई भी इंजन स्टार्ट होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा स्टोर हो जाती है। वो काइनेटिक एनर्जी हमारी मदद क्या करती है, हमारे इंजन को एक आध दो स्ट्रोक सेल्फ मतलब अपने यहाँ भी रोटेट करा देती है, चूंकि यहाँ पर पावर स्ट्रोक हमारा मिल गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जो पेंडुलम पाइप का वेट लटक रहा है ये फिर से ऊपर आने की कोशिश करेगा। ये जब ऊपर आएगा तो हमारे इसके अंदर जो जली हुई गैसें इकट्ठा है, जो गैसें इकट्ठा हो गई है वो हमारी बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो हमारा जो चौथा स्टेज है एग्जॉस्ट स्टेज, एग्जॉस्ट स्टेज या एग्जॉस्ट स्टेज में क्या करेंगे हम, पिस्टन के ऊपर को पिस्टन को ऊपर की ओर मूवमेंट कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो सिलेंडर के अंदर जो हमारी जली हुई गैसें हैं वेस्ट गैसें हैं वो हमारी आउटलेट वाल्व खुली होने की वजह से बाहर निकल जाती है। निकलता कैसे, अंदर का दबाव कम है वातावरण का दबाव ज्यादा है, नहीं अंदर का दबाव ज्यादा है बाहर का दबाव कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम है और ये अंदर का जो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर है वो ज्यादा है, तो हवा हमेशा उसी तरफ बहती है, मतलब ज्यादा ज्यादा तापमान ज्यादा दबाव की तरफ से कम दबाव की ओर बहती है। इसलिए क्या होता है कि सिलेंडर के अंदर जो है दबाव बढ़ेगा तो ये आउटलेट वाल्व से बाहर निकल के वेस्ट गैस वातावरण में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाती है। तो हम यहाँ पूरे चालक प्रोसेस को आसानी से देख पा रहे होंगे, चालक प्रोसेस को कम्प्लीट करके हमारे चार अलग अलग स्ट्रोकों से जिनको हम इस प्रकार दे सकते हैं, पहले वाले को एक्सपेंशन, दूसरे वाले को हम कंप्रेशन बोल रहे थे, तीसरे वाले को हम लोग कंबशन बोल रहे थे, चौथे वाले स्ट्रोक को हम लोग एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोल रहे थे, पहले वाले को हमारा ईंधन जो है सिलेंडर के अंदर आता है, दूसरे वाले स्ट्रोक में हमारा जो फ्रेश चार्ज है जो ईंधन है वो सिलेंडर के अंदर कंप्रेस होता है, तीसरे वाले स्टेज में हमारा क्या हुआ जो कंप्रेस हुई है जो फ्रेश चार्ज है वो जलाया जा रहा है, स्पार्क प्लग के माध्यम से जलाया जा रहा है, जलने के बाद पिस्टन को धक्का दे रहा है, उससे नीचे की ओर मूव करता है। अब चूंकि सिलेंडर में बची हुई जो गैसे है वो वेस्ट गैसे है दोबारा यूटिलाइज नहीं हो सकती, इसलिए पिस्टन जब ऊपर की ओर मूव करता है तो आउटलेट वाल्व खोल के बाहर मतलब खराब गैसों को बाहर की ओर निकाल देते हैं। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि चालू प्रोसेस हमारे कम्प्लीट हो गए हैं। अब अगली क्लास में हम लोग टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन में बेसिकली कौन कौन से अंतर होते हैं उनको देखेंगे। आज हम लोग फोर स्ट्रोक इंजन की वर्किंग पूरी तरह समझ चुके हैं, अभी तक हमने पूरी पूरी तीन क्लास ली, दो क्लास ली है,
इसमें पहले क्लास में हम लोगों ने इंजन के क्लासिफिकेशन देखा, दूसरे क्लास में हम लोगों ने टूल स्ट्रोक इंजन की वर्किंग के बारे में देखा, आज तीसरी क्लास थी, आज तीसरी क्लास में हम लोगों ने टूल स्ट्रोक इंजन की वर्किंग के बारे में देखा। अब जो अगली क्लास हमारी चौथा लेक्चर होगा उसमें हम लोग टूल स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में हम तक स्पष्ट करेंगे, ठीक है। अगली क्लास हम लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।